हेलो फ्रेंड्स। तो आज इन पप्पीज को पूरे 20 दिन हो चुके हैं और सब बच्चों की आंखें खुल चुकी है और सारे ही पप्पी बहुत हेल्दी हैं। माँ इनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है और मैं आपको बताता हूँ इनकी केयर कैसे करनी है। पप्पी अभी 20 दिन के हो चुके हैं और बहुत हेल्दी हैं, तो ये अभी माँ का दूध पी रहे हैं। साथ साथ हमने इनका सेड लेग स्टार्ट कर दिया है। जैसे ये 25 डेज के हो जाएंगे हम इनका स्टार्टर स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टर डॉग फूड आता है, तो इनको जो हम स्टार्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है रॉयल कैनन। रॉयल कैनन को हम थोड़ा सा पीस के हल्का सा गर्म पानी में उनको डाल के और फिर इन पप्पीज को देंगे। ये अभी चाटना स्टार्ट करेंगे। तो पप्पीज देख सकते हैं अभी ये केवल 20 दिन के और सारे ही बहुत एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, सारे अच्छे से चल रहे हैं। अभी ये केवल अपने मदर फीड पे हैं। अभी हम इनको सैड लेग दे रहे हैं। ये कितने अच्छे से खा रहे हैं, दो दो करके दे रहे हैं ताकि छोटी कटोरी आराम से खा सकें ये। हमने छत पे इन पप्पीज के लिए छोटा सा ऐसे ही घर बना दिया जिसके अंदर आके ये बैठ जाते हैं। देखिए इनकी मस्ती हो रही है अभी यहाँ पे। केवल मदर फीड पे और 5 दिन में हम इनका स्टार्टर स्टार्ट कर देंगे। और आपको इनकी केयर के लिए मैं बता दूं, इनको अभी तो केवल मदर फीड चल रहा है। दिन में 5-6 टाइम हम इनको मदर फीड करवा रहे हैं और बहुत अच्छे से मदर फीड करें। मदर भी अभी इनकी मिल्क दे रही है तो ये इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे मदर का दूध कम हो जाएगा और हम इनको स्टार्टर पे ले आएंगे। स्टार्टर भी इनको जैसे दिन में एक बार देना है, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम, ऐसे करके स्टार्टर बढ़ाना है। ऐसे ये पप्पी 45 डेज के होते हैं, हम इनको सेल के लिए निकाल देंगे। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लोग बोलते हैं रॉटविलर बहुत अग्रेसिव ब्रीड है और ये देखिए माँ इनकी यहाँ बैठी है और यहाँ इनके पप्पीज है और ये हमारा एक बड़ा पप्पी है, इसका नाम है टाइसन। ये इन बच्चों के साथ पूरा खेल रहा है, घुला मिला है और माँ इसको कुछ नहीं बोल रही है। रॉटविलर का लोगों ने नाम यूं ही खराब कर रखा है। देखो कैसे ही अपने बच्चों के साथ आराम से बैठने दे रही है इसको। यह है हमारी एनू मदर।